तो क्वेश्चन है शीट नंबर 85। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15। मिरर क्योंकि कनकेव है, रेडियस क्या है इसमें, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है, ये याद रखना। कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। वो लेंस वाला ही सेम रूल चलता है इसमें। तो कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है, मिरर की भी और लेंस की भी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसमें नेगेटिव होगा। तो एफ बाई टू करके क्या आएगी, फोकल लेंथ की वैल्यू -7.5। यू वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में -10 है, तो आप मिरर फॉर्मूला पुट करें, मिरर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी जो कि नेगेटिव है। अब क्योंकि यू भी नेगेटिव है, क्योंकि वी भी नेगेटिव है, यानी कि इमेज ऑन द सेम साइड है। ऑन द सेम साइड वर्चुअल तो कभी बनती नहीं, क्या बनती है, रियल बनती है, तो रियल इमेज बनेगी। अब रियल इमेज जो बनेगी उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, फर्स्ट पार्ट में हर केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बस ऐसे यूज करना और कुछ मत करना, मिरर्स में चाहे कनकेव चाहे कन्वेक्स चाहे वर्चुअल चाहे रियल एक ही फॉर्मूला। तो इसके अंदर मैग्निफिकेशन में माइनस वी, वी कितना आया मेरे पास -30, यू कितना आया मेरे पास, कितना यू कितना आया -10। तो यहां से सॉल्व करके मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, -3। माइनस तो अपने आप ही आनी थी क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज क्या होगी, उल्टी ही बनती है नेगेटिव साइन के साथ। सेम केस है दूसरे केस में, आपने क्या करना है, जो सेकंड केस है उसमें आपने ये करना है कि यू की वैल्यू चेंज करनी है -5, फोकल लेंथ तो सेम है, वी कितना आ गया +15। अब वी प्लस में है, यू माइनस में है, यानी कि इमेज अदर साइड पे है। अदर साइड पे जो इमेज बनती है वो रियल नहीं बनती, वो वर्चुअल ही बनती है। और अगर मैग्निफिकेशन निकालनी है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला -V/U, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -V की जगह क्या पुट करेंगे +15, यू की जगह क्या पुट करेंगे -5। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी +3। प्लस तो अपने आप ही आनी चाहिए क्योंकि वर्चुअल है, वर्चुअल उल्टी नहीं बनती, वर्चुअल सीधी बनती है और सीधी पॉजिटिव बनती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ये लंबा तरीका है, मैं आपको एक और छोटा तरीका बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो, आप प्लीज पहले इसे एक एक्चुअल तरीके से करें। तो एक्चुअल तरीके में ये मेंशन्ड है, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, यू ग्लांस इन द रियर व्यू मिरर ऑफ रेडियस 2 मीटर, तो आपका रियर व्यू मिरर है 2 मीटर का, एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग, तो जॉगर भागता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। इफ जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप अपने ग्लास में देख रहे हैं, उस मिरर में देख रहे हैं कि जॉगर भागता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन जॉगर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 39 मीटर अवे। तो अभी जॉगर एट प्रेजेंट कितने मीटर दूरी पे है, जॉगर अभी कितनी मीटर दूरी पे है, 39 है ना, तो अभी जॉगर कितनी दूरी पे है, 39 -39। जो ग्लास लगा होता है, मिरर लगा होता है आपकी कार में, जिसके आप पीछे गाड़ियां देखते हैं, वो हमेशा कन्वेक्स होता है, क्योंकि कन्वेक्स क्या होता है, उसकी वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल नहीं बनाता, वर्चुअल ऑन दी अदर साइड बनाता है, तो ऑन दी अदर साइड बनेगी। ये भी क्लियर है यहां तक? तो याद रखना ये जो मिरर है गाड़ियों का, ये क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स है तो रेडियस पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है आर बाई टू करके। यू माइनस 39 है तो फोकल लेंथ इसकी 1 है। मिरर का फॉर्मूला लगा लेना, सॉल्व करके क्या निकाल लेना, वी निकाल लेना, वी आ गया। तो जॉगर की दूरी अगर 39 है तो इमेज इतनी दूरी पे है। अब जॉगर भागता हुआ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रेवल करता है, तो मिरर के पास आ जाता है बाय डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो पहले उसका डिस्टेंस अगर 39 है, 5 मीटर पास आ गया तो कितना हो गया, 34, तो -34। फिर से फोकल लेंथ 1 यूज करके वी निकाल लेना, नया वी इसके इक्वल आ गया। अब इमेज कितना ट्रेवल करती है, फाइनल इमेज का डिस्टेंस में से इनिशियल इमेज के डिस्टेंस को माइनस करेंगे, माइनस करके ये डिस्टेंस आएगा। तो ये इमेज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितनी देर में, 1 सेकेंड में, तो यही इमेज की क्या मानी जाएगी, स्पीड। तो वेलोसिटी आ गई 1/120 मीटर पर सेकेंड। ये एक लंबा तरीका है,
मेरे पास एक और छोटा तरीका है, मैं इस असाइनमेंट के बाद में लिखा हुआ आपकी शीट में दिखाऊ कहाँ लिखा हुआ है, मार्क करवा दूंगा। हम एक्चुअल में वो मेथड फॉलो करेंगे, क्या लगाएंगे कोई बता सकता है? वो तो लेंस के लिए होता है, तो क्या लगाएं इसमें? मिरर की इक्वेशन लिखें, उसे टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करें। एक टर्म आएगी डीवी बाई डी टी इमेज की वेलोसिटी, एक टर्म आएगी डीयू बाई डी टी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो डिफ्रेंशिएट करके इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का सीधा रिलेशन आता है, वो यूज करके दिखाऊंगा कैलकुलस से, ये बिना कैलकुलस के। वैसे ज्यादातर वही स्टूडेंट्स यूज करते हैं, अभी फॉर्मूला भी नोट करवाऊंगा उसका। तो ये हमने कर लिया, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। लास्ट में V की वैल्यू आई थी लास्ट क्वेश्चन में, हाँ इधर ना ना, तो ऑब्जेक्ट में किया ना, ऑब्जेक्ट 39 पे था, 5 मीटर पास आ गया, 34 रह गया ना, -34 ऐसे किया। तो देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल, ऑब्जेक्ट का साइज पता है, इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 40, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या ली जाएगी प्लस, हाइट पता है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है 10 माइनस 10, तो मिरर का फॉर्मूला लगा के आपने वी निकाल लिया, मान लो 8 आ गया। इमेज कहां पर बनी? ऑन दी अदर साइड बनी, क्योंकि प्लस 8 है, और अगर इमेज ऑन दी अदर साइड बनी तो कौन सी इमेज बनी होगी? रियल तो बनी नहीं होगी, कौन सी बनी होगी? वर्चुअल। नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि नेचर ऑफ द इमेज बताओ, तो नेचर तो बता दिया मैंने, इसमें वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। फिर कहता है मैग्नीफिकेशन बता दो, तो मैग्नीफिकेशन का H2/H1 में मैंने फॉर्मूला ये करवाया था और V/U में मैंने ये लिखवाया था, तो इसमें H2 निकालना है, हाइट H1 तो हमेशा ही पॉजिटिव है 5, V और U आपको पता है 8 और -10 है, क्योंकि V पॉजिटिव है U नेगेटिव है, सॉल्व करके क्या आ गया? H आ गया, H पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि वर्चुअल है, वर्चुअल में इमेज का साइज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, तो ये क्लियर आया था। फिर अगला केस है, वो कह रहा है जी अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर 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 ले आऊं तो फिर क्या होगा, क्या इमेज बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी? ऑब्वियसली बड़ी कैसे बनेगी, एक तो मैं शीशे से दूर जा रहा हूं और फिर मैं कह रहा हूं इमेज भी बड़ी बन गई, मैं घर चला गया इमेज बड़ी बन गई, ऐसे थोड़ा ना हो गया, छोटी बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट दूर दूर जाता था इन्फिनिटी भी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी से रेस सीधी आएंगी और फोकस से पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएंगी, तो मैं इमेज इसका मतलब पहले बड़ी थी, दूर जा रहा ऑब्जेक्ट तो इमेज छोटी 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 होती 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 फोकस पे आएगी और पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएगी। क्लियर है यहां तक? तो छोटी होते हुए फोकस के ऊपर पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएगी। नेक्स्ट,
तो स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10। एक स्क्वायर शीट पड़ी हुई है 3x3 की, 25 सेंटीमीटर दूर पड़ी हुई है, फोकल लेंथ इसमें क्योंकि ये कनकेव है तो नेगेटिव है, यू की वैल्यू -25 है। वॉट इज द एरिया इनक्लोज बाई द इमेज ऑफ द वायर, तो एरिया इमेज का बताना है, तो एक काम करना है, यू की वैल्यू कितनी है -25, फोकल लेंथ कितना है -10, तो सॉल्व करके मिरर का फॉर्मूला लगाओ, 1/f = 1/v + 1/u से भी आ गया। अब मुझे पता है कि जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होती है, मैग्नीफिकेशन -v/u है, तो v नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गई -2/3। अब हाइट इमेज की क्या बनेगी, तो h2/h1 = -2/3, तो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट क्या गिवन है 3, क्योंकि स्क्वायर 3/3 का था, 3/3 साइड के, तो ऑब्जेक्ट 3, तो इमेज क्या बनेगी यहाँ पर -2, -2 का मतलब उल्टी बनेगी, लेकिन डिस्टेंस उसका 2 सेंटीमीटर होगा, तो इमेज की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या बनेगा 2 × 2 = 4 स्क्वायर। ठीक है, आपको एरिया बताना है इमेज का, तो आप पहले साइड निकाल लो, 3 मीटर की जगह 2 मीटर आ गया, फिर 2 मीटर का एरिया क्या हो गया 4 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितनी 10, तो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है इसमें -10, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, तो ये दीवार है तो यहीं पे है, तो ये 35 सेंटीमीटर की दूरी पे गिवन है, तो नहीं नहीं ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो दीवार है, दीवार से इसकी दूरी कितनी है 35 है। How far from the wall should an object be placed to get its image on the wall? तो कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखें ताकि इमेज कहाँ पर आए, वॉल पे आए। देखो पहले ना दीवार का डिस्टेंस समझो, ये दीवार का डिस्टेंस दे रहा है वो 35 है, वो डायग्राम में दिख रहा है कि दीवार पे इमेज बनी हुई है, तो वो तो बाद में बता रहा है कि इमेज दीवार पे बनानी है, तो अगर इमेज दीवार पे चाहिए तो v की वैल्यू क्या होगी -35। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है तो u निकालना है, फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव, तो मिरर का फॉर्मूला लगा के क्या आएगा 14 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ होगा, तो दीवार से दूरी क्या होगी, तो अगर सोचो ये डिस्टेंस 14 है और टोटल कितना है 35 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 35 में से 14 गया, या से माइनस कर लेना 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें। सिंपल क्वेश्चन है, इसको होमवर्क लिखो, ये क्वेश्चन देखो,
तो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 एंड कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। तो कन्वेक्स और कनकेव के बीच में मिडवे में आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रे डायग्राम गिवन होगा तो नहीं गिवन होगा, और अगर आप ये सोच रहे हैं रे डायग्राम बनाना होगा, नहीं बनाना भी नहीं होगा, आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है। रे डायग्राम आपकी सिर्फ थोड़ी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए बनाया जाता है, पर रे डायग्राम पहले कभी भी नहीं बनता। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में ये गिवन हो, ये मिरर्स बना के दे दे बस, ये पहला मिरर, ये आपका दूसरा मिरर और ये आपका ऑब्जेक्ट, बस ये बना के दे दे और बाकी क्वेश्चन का ही खुद करो। तो एक आपका जो मिरर है वो कन्वेक्स है, एक कनकेव है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का गिवन है 40 और 30, यानी कि दोनों की फोकल लेंथ तो आई जाएगी R/2 करके। कन्वेक्स की पॉजिटिव कर लेना, कनकेव की नेगेटिव कर लेना। मिरर फेस ईच अदर, ये फेस ईच अदर एंड 50 सेंटीमीटर अपार्ट, तो इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। फाइंड नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फर्स्ट एट द कनकेव एंड देन एट कन्वेक्स। अब प्रॉब्लम ये है, अगर कोई रे डायग्राम बनाने की कोशिश करे या न्यूमेरिकल शुरू करे तो वो पहले रिफ्लेक्शन इस ऑब्जेक्ट से कन्वेक्स पे करे या कनकेव पे करे तो प्रॉब्लम है, कहीं भी कर सकता है। ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, कन्वेक्स पे भी जा सकती हैं और कनकेव पे भी जा सकती हैं, उसे मेंशन किया पहले किसे शुरू करना है, कनकेव से। तो स्टार्ट करते हैं, आप रे डायग्राम को तो भूल ही जाओ, ये रेड कलर का कैसे बना वो एंड में डिस्कशन करेंगे। आप सिर्फ ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, 50। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मिड पॉइंट पे, तो ये कितना हो गया, 25। तो कनकेव मिरर के लिए यू की वैल्यू आ गई कितनी, -25। और फोकल लेंथ तो कनकेव की आप रेडियस से निकाल लेंगे जो कि नेगेटिव आएगी, मिरर का फॉर्मूला लगा लेंगे, मिरर का फॉर्मूला लगा के वी आ गया -100। तो इमेज यानी कि कहां पे बनने वाली है, इमेज बनने वाली है यहां से लेके इस तरफ चलते जाओ कितना, 100। 50 तो यहां से यहां 50 हो गया, 50 आगे चले जाओ तो ये आपकी इमेज बनेगी। तो आप अपने डायग्राम में अगर बनाना चाहें तो आप पता है क्या करेंगे, आप ये बनाएंगे और आप ये बनाएंगे बस, और कुछ नहीं बनाएंगे। रे डायग्राम तो एंड में बनेगा, बस आपको ये पता लग गया कि ये 25 है और ये 100 है, बात खत्म। और क्योंकि इमेज ऑन द सेम साइड बन रही है ऑब्जेक्ट के, तो रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज बनने की कोशिश करेगी, तो ये रही, कोई डाउट इसमें। हाँ, वो बन नहीं पाएगी, बात अलग है, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा, एक मिरर आ जाएगा। तो कैसे हैंडल करना है मिरर को, इसको देखते हैं। तो पहले आपने ये बना लिया, अब इस मिरर के लिए ये क्या माना जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो मिरर है वो इसको क्या मानेगा, अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ कि रेज इस मिरर के ऊपर, रेज कहां से आ रही है, ऐसे आ रही है, देख रहे हो, यहां जाके इसके ऊपर, यहां से रे चलती है, टकराती है और ऐसे एंटर करती है। तो यानी कि इधर की डायरेक्शन कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है और इधर की डायरेक्शन कनकेव के लिए नेगेटिव है, और सॉरी पॉजिटिव है, कनकेव उधर पॉजिटिव मानता है, कन्वेक्स इधर पॉजिटिव मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि इस पे रेज ऐसे हिट कर रही है और इस पे रेज ऐसे हिट कर रही है। तो इसलिए कन्वेक्स के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, कन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस इनका 100 है, 100 में से 50 गया तो बचा 50, तो यू कितना होगा, +50, माइनस नहीं, प्लस, क्योंकि इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और इसके लिए ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, इस तरफ पॉजिटिव है, तो कनकेव के लिए यू क्या होगा, +50। और फोकल लेंथ तो क्वेश्चन में गिवन ही है कनकेव की, +15, मिरर फॉर्मूला लगा के क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू +21। अब प्लस का मतलब ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट और इमेज आर ऑन द सेम साइड, +21 कहीं यहीं कहीं मिलेगा, और सेम साइड पे रियल इमेज बनती है, वर्चुअल तो बनती नहीं, तो इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बन गई, तो ये फाइनल डायग्राम हो गया। तो आप अपने न्यूमेरिकल से बेसिकली क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, आप अपने न्यूमेरिकल से ये निकाल सकते हो, अपने न्यूमेरिकल से ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, इनकी पोजीशन निकाल सकते हो। तीनों पोजीशन बनाने के बाद अब आप रे डायग्राम बना सकते हो। कैसे, एक रे सीधी जाएगी, यहां आने की कोशिश करेगी, एक रे सेंटर नॉर्मल की तरफ यहां आने की कोशिश करेगी, आ नहीं पाएंगी, बनानी पड़ेगी डॉट 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 करके, बीच में मिरर आ गया, रिफ्लेक्शन शो करनी पड़ेगी, फिर डॉट डॉट करके इमेज बनेगी। चलो, रे डायग्राम आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे इमेजेस बन रही हैं। आपको यू और वी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे डिस्टेंसेस निकल रहे हैं,
सेकेंड पार्ट में, टू कैसे निकला वो एक और बार बता दो। सेकेंड केस, तो सेकेंड केस के अंदर ये जो रेज हैं यहाँ से चली थी, टकरा के इधर आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं, कन्वेक्स के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। ये टोटल 50 है, इसने इमेज 100 पे बनाई थी, 100 पे बनाई थी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू +50 है, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी गिवन है आपको पॉजिटिव +15, मिरर फॉर्मूला लगा के वी निकालने 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट समथिंग यहां कहीं मिलेगा आपको, तो ये सीधी इमेज बनेगी। क्यों बनेगी सीधी, मतलब सॉरी मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी इसके मुकाबले, क्यों? ऑन द सेम साइड है, ऑन द सेम साइड कभी भी वर्चुअल नहीं बनती, ऑन द सेम साइड हमेशा क्या बनती है, रियल बनती है, तो ये रियल इमेज बनेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर? ओके ठीक है यहां तक? रे डायग्राम आपसे नहीं पूछेगा, यू और वी पूछेगा। जब यू और वी दोनों सेम साइन के हों तो ऑन द सेम साइड है, ऑन द सेम साइड रियल बनती है, वर्चुअल बनती नहीं, ऑपोजिट में वर्चुअल बनती है। यू और वी में अगर एक साइन नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, अगर यू और वी का सेम साइन है तो रियल ही है। तो ये देखो इसके अंदर यू भी पॉजिटिव है और वी भी पॉजिटिव है, ऑन द सेम साइड है तो रियल है, और रियल उल्टी बनती है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इमेज इसकी सीधी बना देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। तो ये आपका कौन सा मिरर है? ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 36 सेंटीमीटर पे, क्वेश्चन में गिवन है, ये लो बन गया। आगे, प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट द टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ सो फॉर्म कोइंसाइड। एक प्लेन मिरर इसके रास्ते में डाल दिया, ये प्लेन मिरर है, ताकि ये जो इमेज बनाए वो कोइंसाइड कर रही है। अब डायग्राम में वो हिंट दे भी रहा है आपको, कैसे? रेज यहां से निकल रही है ऑब्जेक्ट से इस मिरर के लिए, तो यहां से डाइवर्जिंग हो रही है तो यहां मिल रही है, और प्लेन मिरर के लिए ये इमेज यहां पे मिल रही है, तो अल्टीमेटली चाहे प्लेन है चाहे कन्वेक्स या कनकेव है, इमेज कोइंसाइड कर रही है। प्लेन मिरर का एक ही कॉन्सेप्ट है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है, यही रूल है। तो प्लेन मिरर के लिए, अब ये बताओ एक मिनट के लिए, कि ये अगर आपके पास एक मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, इसमें ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? -36 है ये रही, और इमेज कहां पर बन रही है? यहां पे बन रही है। तो अगर आपकी इमेज यहां पे बन रही है तो ये दूरी है कितनी? मुझे पता है कि ये दूरी 36 है, 36 है। प्लेन मिरर को कहां पे रखा? प्लेन मिरर को रखा 24 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 24 है, 24 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 36 है, इसमें से ये 36 है, ये 24 है, 36 में से 24 माइनस करके कितना आएगा? 12। इस प्लेन मिरर से ये डिस्टेंस कितना है? 12। तो प्लेन मिरर इमेज भी कहां बनाएगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 12। तो ये 12 आ गया, 12 और 12, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? तो ये डिस्टेंस भी कितना आ गया? 12। तो इस कन्वेक्स के लिए अब ऑब्जेक्ट कितना है? -36।
इमेज कहाँ पर है, वी की वैल्यू कितनी है, प्लस 12। तो मिरर फॉर्मूला लगा के आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लेना, फोकल लेंथ आएगी 18, पर आपको इसमें रेडियस निकालना है, रेडियस के लिए डबल कर देना, 36 इज द आंसर। तो डायग्राम से पहले यू और वी निकालना पड़ेगा कन्वेक्स के लिए, फिर मिरर फॉर्मूला लगा के आर की वैल्यू और एफ की वैल्यू आएगी। ठीक, मेथड समझ में आ रहा है इसको यहां तक। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। तो कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 15, तो -15 है। इमेज फॉर्म्ड इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या है, 3 गुना ज़्यादा बड़ी बनी, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में इमेज 3 गुना ज़्यादा बन रही है। रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल है, क्या दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें 2 केस करने पड़ेंगे, तभी वो ऑब्जेक्ट के 2 distance पूछ रहा है आपसे। तो आपको पहला केस लेना पड़ेगा वर्चुअल का, वर्चुअल में मैग्निफिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव, और रियल में मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव। तो एक बार +3, एक बार -3, तो यू की वैल्यू निकालना है इस फॉर्मूले से, दोनों केस में अलग अलग आएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, जब समझ में नहीं आ रहा फिर 2 केस तो करने ही पड़ेंगे, रियल और वर्चुअल दोनों के। ठीक है यहां तक, नहीं दोनों के लिए यू निकालना है ना। ने बताया ऑब्जेक्ट को रखा कनकेव मिरर के सामने, कनकेव मिरर में वो कह रहे मैग्निफिकेशन 3 बनती है, इमेज बड़ी बनती है। अब सीधी बनती है उल्टी बनती है मुझे तो पता नहीं ना यार, तो मैं मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज करूंगा, मेरे को यू निकालना है। ये केस पहला केस है, मैग्निफिकेशन 3 पुट करूंगा वर्चुअल मान के और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। दूसरे केस में एम की जगह क्या पुट करूंगा, -3। तो एफ की वैल्यू मुझे पता है, यू निकलेगा यहां से अलग, यहां से अलग, ऐसे होगा 2 केस निकलेंगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक थिन रॉड गिवन है, एक रॉड है जो इस तरीके से एक्सिस के ऊपर लेटी हुई है, ऐसे ही रही एक रॉड है। ये रॉड की जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्वेश्चन में गिवन है, कितने गिवन है, f/3। ये f/3 गिवन है, तो एक्सिस के ऊपर है, मिरर के ऊपर फोकल लेंथ एफ है, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड। रियल भी है, अब रियल का मतलब ऑन द सेम साइड है, रियल का मतलब ऑन द सेम साइड है, जस्ट टचेस द रॉड, इमेज जस्ट टचेस द रॉड। मुझे एक बात बताओ,
किसी भी मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर सेंटर पे पड़ा होगा, उसकी इमेज भी पक्का कहां पर पड़ी होगी, उसके सेंटर पे ही पड़ी होगी। कोइंसाइड करने का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का एक कोना पक्की बात है सेंटर पे ही पड़ा होगा, ताकि इसकी इमेज भी सेंटर से ही बननी स्टार्ट होगी, तभी कोइंसाइड करेगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसमें आपको इमेज का डिस्टेंस बताना है, कितना कितनी लंबी इमेज बनी। अब एक काम करो, ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है कितना है, 2f है, सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है, रेडियस 2f होता है। लेंस में ये फॉर्मूला कभी ना चलाना, f इक्वल टू r बाई टू वाला, ये मिरर में चलता है, लेंस में नहीं चलता। लेंस में लेंस मेकर चलता है, उसमें मत चला देना। लेंस की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कई लोग मैं देखता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ f इक्वल टू r बाई टू, लेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं। लेंस के लिए क्या लगेगा, 1/f म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 लगता है। मिरर के लिए लगता है ये शॉर्टकट, मिरर में म्यू नहीं होता। तो इमेजिन करें ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस अगर 2f है, ये f बाई 3 है, तो ये दूरी क्या हो गई, 2f माइनस f बाई 3, 2f माइनस f बाई 3। तो u की वैल्यू पहले केस में क्या आएगी, 2f माइनस f बाई 3 का मतलब माइनस 5f बाई 3, u पता लग गया, एक ऑब्जेक्ट माना है। तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव है कंकेव की, तो यहां से सॉल्व करके v निकाल लेना, v की वैल्यू आ रही है -2.5f। तो a पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश इमेज कहां पर बनेगी, 2.5f पे। तो आप खुद सोचो कि अगर मान लो ए आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज कहां पर बनेगी, 2.5f पे, 2.5f कहीं यहां कहीं होगा 2.5f पे, और एक कोना तो यहीं से स्टार्ट होना ही होना है क्योंकि इमेज कोइंसाइड कर रही है। तो ए डैश कहां खत्म होगा, निकाल लिया, तो इसकी लेंथ निकालनी है क्या होगी। अब ये डिस्टेंस कितना है, 2.5f, ये सेंटर की दूरी कितनी है इसमें, 2f, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.5f। इसका आंसर 0.5f आंसर है। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है। सी पॉइंट को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि इमेज कोइंसाइड करवानी है, ए पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान के उसकी इमेज की दूरी निकाल के डिस्टेंस निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है।